हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज से यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के बीच में T20 सीरीज स्टार्ट होगी। काफी सारे न्यू प्लेयर्स आपको खेलते नजर आएंगे, तो सब प्लेयर के स्टैट्स आपको वीडियो में बताऊंगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को अच्छे से देखना है, आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं यहाँ पर शुरू। देखो, ये जो मुकाबला है शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा और ये पहला T20 मैच होने वाला है, ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा। और मैच जो है वो खेला जाएगा पले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी के अंदर, ये मुकाबला होने वाला है। श्रीलंका में मुकाबले खेले जाएंगे, ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है भाइयों, कि अगर देखो आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर आएंगी। जैसे कि इनका बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर आएगा, पिच रिपोर्ट क्या रहती है उसके हिसाब से फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल से आपका ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, देखो, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों ही तरीके से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट की। तो देखो, सबसे पहले देखो मैंने आपको बता दिया कैंडी के अंदर मुकाबला होगा, और देखो दोनों टीमें आज दिन तक 28 मैचेस खेली आपस में। इंडिया जीता है 19 और श्रीलंका जीता है 9। तो सीधी बात है, इंडिया की टीम स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इस वेन्यू की बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो लास्ट 5 मैच हुए हैं उसमें से 2 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 3 मैच हुए हैं, मतलब टॉस का उतना इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रहा है। और जो लास्ट 5 मैच यहाँ पर हुए हैं उसके अंदर अगर आप देखोगे, फर्स्ट इनिंग में 19 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 9 विकेट है। सेकंड इनिंग में फास्ट को 13 विकेट, स्पिनर्स को 19 विकेट है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि भाई फर्स्ट इनिंग में तो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है लेकिन कम मिलती है, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। और एक और चीज बता दूं कि ये एक बहुत अच्छा बैटिंग विकेट भी है, बैटर्स के लिए भी बहुत अच्छी हेल्प है यहाँ पर, मतलब विकेट भी करते हैं लेकिन रन भी यहाँ पर 170 से 200 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक अच्छा वेन्यू है T20 क्रिकेट के लिए, ये आप मान के चल सकते हो, ये चीज आप ध्यान में रखना। बस सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कर रही है ना उसके स्पिनर को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के रखिएगा टीम में। अब देखो पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया की, टीम की तो देखो टीम इंडिया की तरफ से मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल गिल, फिर आएंगे ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, फिर यहाँ से अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद। तो ये मोस्ट लाइकली इंडिया की टीम का प्लेइंग 11 रहने वाला है, और इस बैटिंग ऑर्डर के साथ में इंडिया के प्लेयर बैटिंग करने चाहिए। अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ में स्टैट्स भी देख लेते हैं। तो ये देखो यशस्वी जायसवाल जो है ना, पहली बात तो एक और चीज आपको बता दूं कि जितने प्लेयर है ना इंडिया के 15, इनमें से कोई भी इस वेन्यू पर नहीं खेला है, पहला मैच है सबके लिए। अब देखो इनके रिकॉर्ड की बात करें तो यशस्वी जायसवाल देखो हेड टू हेड में भी नहीं खेला, करियर में 20 मैच में 653-37 का एवरेज है। फॉर्म देखो इसका 42, 9 बैटिंग, 36, 93 नॉट आउट, 12, बहुत तगड़ा हार्ड हिटर प्लेयर है, बिल्कुल भी आप मिस करने का नहीं सोच सकते क्योंकि थोड़ी सी देर में गेम वन साइडेड कर देता है। शुभमन गिल हेड टू हेड में 3 मैच में 58-19 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 31-2, 66-58-13 है, बढ़िया प्लेयर है ये भी। फिर आएंगे यहाँ से ऋषभ पंत, हेड टू हेड में 4 मैच में 41-20 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 20-36-15-4-0 है, ये भी बिल्कुल यशस्वी जायसवाल जैसे ही क्रिकेट खेलते हैं या तो जल्दी आउट हो जाएंगे अंडर 10 या फिर बहुत तेजी से 30-40 रन बना जाते हैं। सूर्य कुमार यादव भी बताने की जरूरत नहीं है, टॉप क्लास प्लेयर है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी आप देखो श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच में 254 रन 63 का एवरेज है, जो कि बहुत कमाल का रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से, और रिसेंट फॉर्म 53-6, 31-47 और 3 है। फिर आएंगे ऐसे हार्दिक पांड्या जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, हेड टू हेड में 12 मैच में 117, 11 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म की अगर बात करूं यहाँ पे 27-0 विकेट, 23-0 विकेट और 5-3 विकेट है, फॉर्म इनका बढ़िया है। और अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब इंडिया टीम पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि फिर ये बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी यहाँ पर करेंगे। फिर आएंगे ऐसे रिंकू सिंह, मोस्ट लाइकली 20 मैच में 416 रन है करियर में, रिसेंट फॉर्म 0-48 नॉट आउट, 1 नॉट आउट, 9 बैटिंग, 11 नॉट आउट है, इनकी बैटिंग आने के चांसेस थोड़े से यहाँ पर लेस रहते हैं, स्पेशली अगर इंडिया बाद में बैटिंग कर रहा है तब इनकी बैटिंग कम आती है। तो देखो यहां से मैं अभी के मान के चल रहा हूं कि इंडिया पहले बॉलिंग करेगा, तो इस हिसाब से मैं यहां पर अपने टीम में अभी के लिए रख रहा हूं यशस्वी जायसवाल को रखूंगा, शुभमन गिल को रखूंगा, ऋषभ पंत को रखूंगा, सूर्य कुमार यादव को रखूंगा और हार्दिक पांड्या को रखूंगा। ये 5 प्लेयर मैं यहां पर अभी के लिए पिक करके चल रहा हूं। जो नेक्स्ट प्लेयर है इंडिया की उनकी बात करें तो अक्षर पटेल है, हेड टू हेड में 4 मैच में 117, 3 विकेट है,
रिसेंट फॉर्म 3-0 विकेट, 1 विकेट, 10 3 विकेट, 47 1 विकेट है। हरदीप सिंह हेड टू हेड में 3 मैच में 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट है। बहुत कमाल के फॉर्म में थे वर्ल्ड कप में। बिश्नोई है हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म 4 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट है। मोहम्मद सिराज है हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट है। खलील अहमद है T20 के अंदर 17 मैच में 16 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट है। ज्यादातर आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। तो अगर देखो इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो मैं अपनी टीम में अर्शदीप सिंह को रखूंगा, सिराज को रखूंगा। सिराज का आपको पता ही कि भाई श्रीलंका को बहुत परेशान करता है, और रवि बिश्नोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो रवि बिश्नोई की जगह अक्षर पटेल को रख सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए रवि बिश्नोई के साथ ही यहाँ पर जाने वाला हूँ। बाकी इंडिया के बेंच पर कौन कौन है, तो बेंच पर है रियान पराग, जिनके नाम आप देखो तो T20 करियर में 3 ही मैच खेले हैं ये, अभी जो जिम्बाब्वे वाली सीरीज हुई थी उसमें खेले थे, 24 रन, 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 36-6-2, 0 विकेट, 22 है। वॉशिंगटन सुंदर है हेड टू हेड में 6 मैच में 8 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 27-2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट है। फिर यहाँ पर शिवम दुबे हैं, अगर रिंकू सिंह खेलेंगे तो इनके खेलने के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। हेड टू हेड में 2 मैच में डिड नॉट बैट है, रिसेंट फॉर्म 0-27, 0 विकेट, 1 विकेट, 26, 2 विकेट है। संजू सैमसन है हेड टू हेड में 8 मैच में 102-14 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म 10-1-12, 9 बैटिंग, 58 है। अब देखो इंडिया की तरफ से पावर प्ले में बॉलिंग करवानी चाहिए अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज, और डेथ के अंदर आने चाहिए अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और खलील अहमद आपको डेथ के अंदर मोस्ट लाइकली बॉलिंग करते नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की टीम की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। तो देखो श्रीलंका की तरफ से मोस्ट लाइकली आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे पथुम निशंका और कुशल मेंडिस, फिर आएंगे यहाँ से कमिंडू मेंडिस, दिनेश चंदीवल काफी टाइम बाद कमबैक कर रहे हैं, उनके बाद में चरित असलंका, दशुन शनका, वॉशिंगटन सॉरी यहाँ पर वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, मतीशा पथिराना, दिलशान मधुशंका और अशिता फर्नांडो, तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब देखो स्टैट्स की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ आपसे, तो देखो पथुम निशंका जो है ना भाई, इसने हेड टू हेड में इंडिया के खिलाफ खेले हैं 8 मुकाबले जिसमें 177 रन, 25 का एवरेज है। वेन्यू पर 13 मैच में 371, 33 का एवरेज है। फॉर्म इसका बहुत ही ज्यादा गंदा है, आप देखो 5-3-4-18-0, अभी जो यहाँ पर श्रीलंका में जो लीग होती है ना T20 लीग, उसके अंदर बहुत गंदा है खेले थे लंका प्रीमियर लीग में। कुशल मेंडिस का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, 6 मैच 226, 37 का एवरेज। वेन्यू पर भी 13 मैच में 367, 28 का एवरेज। फॉर्म 0-17-46, 105-72, फॉर्म भी बहुत बढ़िया है, तो कुशल मेंडिस एक बहुत अच्छा पिक आपके लिए रहने वाले हैं। फिर आएंगे ऐसे कमेंडू मेंडिस, हेड टू हेड में तो खेले नहीं करियर में, 13 मैच में 241, 21 का एवरेज, 0 विकेट है। वेन्यू पर 11 मैच में 345, 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करूं यहाँ पे तो 9 बैटिंग, 51, 0 विकेट, 54, 32, 0 विकेट है। रिस्क ले सकते हो तो ट्राई करना, अदरवाइज छोड़ देना। चंडीवल हेड टू हेड में 9 मैच में 140 है, वेन्यू पर 25 मैच में 663 है, रिसेंट फॉर्म 32-21-12-6-11 है। चरित असलंका टीम का कप्तान है, नीचे बैटिंग करता है, हेड टू हेड में 8 मैच में 171, 24 का एवरेज है। वेन्यू पर 13 मैच में 349, 5 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करूं यहाँ पे तो 26-13-7-4, 0 विकेट है। दशुन सनका हेड टू हेड में 22 मैच में 430 रन, 14 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 19 यहाँ पर वेन्यू पर 19 मैच में 649, 9 विकेट है, और फॉर्म भी इसका बहुत बढ़िया है। अभी LPL में 2-1 विकेट, 3 विकेट, 39-1 विकेट, 3-0 विकेट है, लेकिन बॉलिंग करवाएगा कितनी उस चीज पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी के लिए देखो यहाँ से कुशल मेंडिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ से चरित असलंका को रख लेना, और एक और प्लेयर अगर आप चाहो तो आप दशुन सनका या फिर पथुम निशंका में से किसी एक के साथ जा सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं 2 ही प्लेयर यहाँ पर रख रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्लेयर है वनिंदु हसरंगा, इनको आप बिल्कुल भी मस्त मत करना, क्योंकि नीचे आके बैटिंग प्लस बॉलिंग भी आपको देंगे। हेड टू हेड में 10 मैच में 75, 13 विकेट है। वेन्यू पर 14 मैच में 161, 13 विकेट है। फॉर्म भी इनका आप देख सकते हो बहुत तगड़ा है, 2-2 विकेट, 25-4 विकेट, 1-2 विकेट, 13-1 विकेट है। फिर यहाँ पर आएंगे महेश तीक्षणा, हेड टू हेड में 4 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पर 11 मैच में 10 विकेट, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट है। इसके बाद में आएंगे मतीशा पथिराना, जो कि अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग करती है तो आप किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करना है। T20 में 9 मैच में 14 विकेट है, वेन्यू पर 4 मैच में 3 विकेट है, फॉर्म इसका बहुत बढ़िया है, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट है। दिलशान मधुशंका खेलता है तो हेड टू हेड में 4 मैच में 8 विकेट, वेन्यू पर 6 मैच में 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। अशिता फर्नांडो हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट, वेन्यू पर 9 मैच में 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट है। तो देखो यहाँ से
अभी के लिए देखो बॉलर में, देखो वनिंदर सुमंगा को तो दोनों कंडीशन में रखना है, इन दोनों बॉलर को आप रखना अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप इन दोनों को रख सकते हो। हाँ अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है फिर इनको रखने का थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया की बैटिंग अच्छी है और वो स्कोर चेस कर सकते हैं आसानी के साथ में। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर हैं, जिनमें कौन है, कुशल परेरा है, जिनके नाम अगर आप देखोगे तो हेड टू हेड में 9 मैच में 215 26 का एवरेज, वेन्यू पर 14 मैच में 468 36 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म 80-17-0-74-7 है। अब इसका फर्नेंडो हेड टू हेड में 7 मैच में 81 रन, वेन्यू पर 19 मैच में 568 और रिसेंट फॉर्म 16-11-52-11-9 बैटिंग है। फिर आएंगे यहाँ से दुनित बिलाल के, जो कि हेड टू हेड में नहीं खेले, ना इनका अब तक T20 क्रिकेट ही नहीं खेले ये। इनके नाम आप देखो T20 के अंदर 47 मैच में 351 43 विकेट, वेन्यू पर 6 मैच में 67 8 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 28 0 विकेट है। चमिंडू विक्रमा सिंह T20 में 25 मैच में 282 12 विकेट है, वेन्यू पर 2 मैच में 62 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं, 56 2 विकेट 4 1 विकेट 18 0 विकेट 26 2 विकेट है। विनुरा फर्नेंडो हेड टू हेड में 2 मैच में 0 विकेट, वेन्यू पर 3 मैच में 8 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट है। अब देखो इनकी तरफ से पावर प्ले में आपको बॉलिंग देंगे दिलशान मधुशंका, अशिता फर्नेंडो, महेश तीक्षणा, और डेथ के अंदर आएंगे मथिशा पतिराना, दिलशान मधुशंका और यहाँ से वनिंदु हसरंगा डेथ के अंदर आपको बॉलिंग देंगे। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट वहीं पर आएंगी। बात कर लेते हैं अब डेमो टीम की, तो मेरी जो डेमो टीम है वो इस हिसाब की टीम है जब इंडिया की टीम पहले यहाँ पर बॉलिंग करेगी। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कुशल मेंडिस और ऋषभ पंत, यहाँ से सूर्य कुमार यादव, जयसवाल, शुभमन गिल, चरित असलंका, हार्दिक पांड्या, वनिंदु हसरंगा, अर्शदीप सिंह, सिराज, रवि बिश्नोई। कैप्टन मेरे जयसवाल, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।